हेलो एवरीवन वेलकम टू टेक्स बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स कैसे हो आप सब लोग जी हाँ स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को आज के हमारे इस लेक्चर को

एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा आवाज सब तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है जी यस वेरी गुड मॉर्निंग टू फाइन सो स्टार्ट करते सेशन को सबसे पहली बात टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग लेबर डे सो आज इंटरनेशनल लेबर डे ऑब्जर्व किया जा रहा है सो जस्ट वन जी आ, uh, so, सो इंटरनेशनल लेबर डे वी आर सेलिब्रेटिंग यू कैन सी ओवर ईयर इसको मे डे भी कहा जाता है Uh, या श्रमिक दिवस के तौर पे इंडिया में इसे सेलिब्रेट हम लोग करते हैं सो दिस डे इज स्टार्टेड बाय आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे 1919 1919 में इस ग्रुप को क्रिएट किया गया जिसका हेडक्वार्टर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा और इनके द्वारा ही इंटरनेशनली ये लेबर डे ऑब्जर्व किया जाता है सो इट्स काइंड ऑफ अ हॉलीडे ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे हॉलीडे के तौर पे भी ऑब्जर्व किया जाता है सेलिब्रेट किया जाता है याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नाउ सेफ्टी एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट ये उस दिन भी हमने थीम के तौर पे डिस्कस किया था लास्ट uh, टाइम uh, भी ट्वेंटी एट ऑफ अप्रैल को भी हमारी इसको लेके बात हुई थी और अगेन ये पॉइंट याद रखेगा जी हाँ जीनीवा में हेडक्वार्टर है एब्सोल्यूटली राइट वेरी गुड एंड uh, 1919 में इसे क्रिएट किया गया याद रखिएगा। और इंडिया के हमारे लेबर मिनिस्टर का नाम भी आप में से किसी ने शायद कमेंट सेक्शन में डाल दिया भूपेंद्र यादव सर की बात करेंगे आईएलओ के हेड है उनका भी नाम हमारे दोस्त ने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है गिलबर्ट यस एब्सोल्युटली राइट बहुत बढ़िया वेरी गुड स्टार्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग फाउंडेशन डे ऑफ टू स्टेट्स दो स्टेट्स का फाउंडेशन डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वन इज महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे नाइनटीन 1960 में दो स्टेट्स बनाए गए थे महाराष्ट्र एंड गुजरात दोनों का फाउंडेशन डे आज सेलिब्रेट हो रहा है सो so, महाराष्ट्र दिवस इसके अलावा गुजरात दिवस भी आज मनाया जा रहा है ध्यान रखेगा आप uh, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर साहब का नाम क्या है एट द सेम टाइम गुजरात के सीएम और गवर्नर साहब का नाम क्या है जल्दी से uh, चारों के नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एज वेल एज स्टेट ऑफ गुजरात जी हां एक नाथ शिंदे सर इज uh, सीएम रमेश बैस सर इज गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वेन गुजरात की बात करेंगे तो जल्दी से आंसर कर दीजिए गुजरात को लेके जी भूपेंद्र पटेल सर सीएम है एंड आचार्य देवव्रत सर जो है वो आ, गुजरात के गवर्नर है एब्सोल्युटली राइट सो वेरी इंपॉर्टेंट दोनों स्टेट्स काफी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा जीडीपी जनरेशन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से होता है गुजरात व्हेन इट कम्स टू द एक्सपोर्ट प्रिपेरनेस इंडेक्स एक्सपोर्ट की बात की जाएगी तो गुजरात सबसे टॉप में परफॉर्म करता है लास्ट टाइम हमने ये दोनों चीजों के ऊपर डिस्कशन किया था चलो आगे बढ़ते हैं स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को बिफोर गोइंग इन टू द एमसीक्यू वाला पार्ट एमसीक्यू वाले पार्ट में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियों के ऊपर बात कर लेते हैं स्पेशली स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग थोड़ी ज्यादा सुर्खियां होगी बिकॉज वीकेंड में काफी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं तो उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये टेलीग्राम चैनल है आ, अगर आपने अभी तक तो इसे फॉलो नहीं किया होगा तो क्यू आर कोड स्कैन करके आप इसे फॉलो कर सकते हैं चलो पहली न्यूज देख लेते बैंक टू रोल आउट ई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओवर फिफ्टी है ध्यान दीजिए अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है एवरी वन नोज अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन इस टॉपिक के ऊपर कई बार हमारी बात हुई है आरबीआई हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके काफी सीरियसली वर्क करते हैं तो एच डी एफ सी बैंक भले ये प्राइवेट बैंक होगी बट दे आर फोकसिंग ऑन द ई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओवर मोर विलेजेस सो वेज एरिया की जो भी सर्विस होती है किसी को अकाउंट ओपन करना होगा किसी को लोन लेना होगा तो उन सारे चीजों के लिए एच डी एफ सी बैंक अपने कुछ एजेंट्स को रिक्रूट करेगी अब बहुत सारे जगहों पे प्राइवेट बैंकों की ब्रांचेस नहीं होती है तो वो अपने एजेंट्स अप, को रिक्रूट करते जिनको हम बिजनेस करेस्पोंडेंट भी कहते हैं याद है यादे? बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंकिंग करस्पॉन्डेंट या बैंक मित्र या बैंक सखी ऐसे अलग अलग नाम इनके लिए दिए जाते हैं कोविड नाइन्टीन के वक्त में बैंक सखी ये कंसेप्ट बड़ा फेमस हुआ था अदरवाइज बैंक मित्र ये बड़ा फेमस है तो उन्हीं को रिक्रूट किया जाएगा और ये अलग अलग विलेजेस में जाएंगे जहां पे बैंकिंग इतना स्ट्रांग नहीं है जहां पे शायद बैंकों का इतना पेनिट्रेशन नहीं है वहां पे जाके ये सर्विसेज की इंफॉर्मेशन देंगे अगर किसी को अकाउंट ओपन करना है तो ऑनलाइन तरीके से ही ऑनलाइन तरीके से ही ये सब किया जाएगा ई e डिस्ट्रीब्यूशन अब ये लोन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो सपोज किसी फार्मर को लोन लेना है किसी छोटे से बिजनेस चलाने वाले रूरल एरिया के किसी यूथ को लोन लेना है तो ई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से यह प्रोवाइड किया जाएगा इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है फायदा यह है यहां पर मैंशन किया गया पहले ही पैराग्राफ के अंदर पी एस एल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सबको पता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नाम का एक नॉर्म होता है जो बैंकों को कंप्लीट करना पड़ेगा तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पीएसएल का टारगेट क्या होता है because इंडिया में जो भी बैंक काम कर रही है उनको एक टारगेट सेट किया गया है कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर्स को पहले लोन देना पड़ेगा अब जब आप विलेज एरिया में जाओगे तो एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आएगी कुछ ऐसी वीकर सेक्शंस है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आएंगे तो ये जो टारगेट है एच बैंक का ये भी पूरा हो जाएगा तो एच बैंक के लिए दोनों चीजें हो रही है इंक्लूजन भी हो रहा है कस्टमर बेस भी बढ़ रहा है और तीसरी चीज पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये भी वो अचीव कर रहे हैं सो एक तीर में तीन निशान वाला कॉन्सेप्ट है एच बैंक के लिए जी हा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो टारगेट है वो है 40 का फॉर द कमर्शियल बैंक है चाहे फिर फिर की commercial bank हो 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 या सबके लिए target 40 का रखा है अगर RRB है रीजनल रूरल बैंक ग्रामीण बैंक जिसे कहते हैं या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके लिए टारगेट सेवेंटी फाइव परसेंट का है एक और चीज चलो बात डिस्कस कर ही लेते हैं अभी की बात चली रही है तो कोई आप में से मुझे बताएगा पीएसएल के अंदर कितने सेक्टर्स आते हैं बिकॉज़ सेक्टर लेंडिंग तो सेक्टर्स के नाम अगर आपको याद होंगे तो जल्दी बता दीजिएगा uh, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है तो मुझे थोड़ा सा याद दिला दीजिए कि पीएसएल के अंदर कौन से कौन से सेक्टर्स आते हैं जिनके लिए प्रायोरिटी में मिस पहले लोन देना ये कंपलसरी है और आप जो ओवरऑल साल भर में सपोज मेरी बैंक ने सौ करोड़ का लोन दिया तो उसमें से 40 करोड़ का लोन कंपलसरी मुझे पीएसएल को देना पड़ेगा सो इन दैट वे दिस कॉन्सेप्ट वर्क आठ है बहुत बढ़िया आठ की बात करते हैं एब्सोल्युटली राइट सो कौन से कौन से एक बार डिस्कस कर ले यहाँ पर लिख देते हैं एग्रीकल्चर सॉरी एग्रीकल्चर yeah, की बात कर रहे थे कोई फर्स्ट इज एग्रीकल्चर सेकंड इज एम एस स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ओके थर्ड की बात करेंगे यस एजुकेशन एजुकेशन इज अनादर देन हाउसिंग की बात होती है देन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यूएबल एनर्जी

का का रखा रखा हुआ हुआ है। weaker section या other है। या कहते हैं, उनके लिए सब सब हमने 10 का रखा हुआ है, तो ये सब के तरफ भी ध्यान रखिएगा, एक point रह गया, उसे कवर करते फिर आगे बढ़ते HDFC Bank के जो MDCU है, उनका नाम एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए एच डी बैंक SBI, ICICI ये तीनों बैंकों हम डी एस कहते हैं डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक हमारे देश के लिए हमारे देश के इकोनॉमी के लिए ये तीन बैंकों का अस्तित्व बहुत मैटर करता है एस HDFC एच डी एफ सी एंड आईसीआईसीआई ध्यान रखिएगा, बिकॉज इनका कस्टमर बेस काफी बड़ा है जी हाँ शशिधर जगदीशन सर की बात करेंगे ही इज हियर ठीक है चलो फाइन <coughs> अदर्स अदर्स आर द पार्ट ऑफ वीकर सेक्शन ओनली उसी का पार्ट है ध्यान ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नाउ अ बिग न्यूज बहुत बड़ी न्यूज है अब अगर आप रेगुलरली न्यूज को फॉलो कर रहे तो पिछले कुछ डेढ़ साल में इंडिया से क्राउडिंग आउट बहुत हुआ क्राउडिंग आउट का मतलब है कि इंडिया से इन्वेस्टमेंट्स काफी बाहर गए अब मंथ ऑफ अप्रैल का डेटा हमारे पास है और उस डेटा में यह पता चल रहा है एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा इंडिया में है इंडिया यूके जापान तो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने वाली कंट्री में इंडिया टॉप में आपको दिख रहा है सो इंडिया बिट्स ग्लोबल पैक ऑन स्ट्रॉन्ग एफ पी आई एफडीआई नहीं है ये एफ पी आई है अब एफडीआई और एफ पी आई में क्या फर्क है पहले फॉर्म देख लेते फॉरेन यस yes, चलो फॉर्म आप ही बता दो एफडीआई और एफपीआई दोनों का फुल फॉर्म जल्दी से आप बता दो मैं बाद में एक्सप्लेनेशन के ऊपर बात करूंगा सो so, ये डेटा इज नॉट अबाउट द एफडीआई द डेटा इज अबाउट द एफपीआई और एफपीआई का डेटा ये मंथली बेसिस वाला डेटा यहां पे कि मंथ ऑफ अप्रैल में इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा एफपीआई अट्रैक्ट करने वाला कंट्री बना हुआ है सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज दी आई बहुत बढ़िया अच्छा आंसर आप लोगों ने किया है सो फॉरेन पोर्टफोलियो फॉरेन डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना ब्रांच ओपन करती है खुद किसी कंपनी के साथ मिलकर काम करना शुरू करती है जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बजाज आलियांस इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर लेंगे बजाज एंड आलियांस दो कंपनियां मिलकर काम कर रही राइट अबाउट रोवर है मतलब क्या फॉरन इन्वेस्टर इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरन इन्वेस्टर इंडिया के बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरन इन्वेस्टर इंडिया के uh, अलग अलग डिफरेंट uh, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पोर्टफोलियो है ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के एंगल में काम करता है But ये दोनों बहुत जरूरी हैं। तो है, आपको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देगा एफडीआई जो है उससे एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है एफडीआई जो है उससे टैक्सेशन अर्निंग भी गवर्नमेंट की बढ़ सकती है एफ टर्म टैक्सेशन अर्निंग तो बढ़ेगी पर वो शॉर्ट टर्म का है आज है कल नहीं है वाला सीन बट है बहुत जरूरी क्योंकि उससे लिक्विडिटी इकोनॉमी के अंदर होती है तो राइट नाउ अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग ब्लूमबर्ग का सर्वे इंडिया इज एट द टॉप ऑफ रिसीविंग द एफ अब ध्यान दीजिए क्राउडिंग आउट एंड क्राउडिंग इन नाम के दो कॉन्सेप्ट होते हैं इकोनॉमी के अंदर क्राउडिंग आउट का मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट बाहर चला जाना क्राउडिंग इन का मतलब है इन्वेस्टमेंट कंट्री के अंदर आना तो राइट नाउ क्राउडिंग इन वाला सिचुएशन है ये और बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा बिकॉज इकोनॉमी अभी धीरे धीरे स्टेबल होते जा रही है तो इट विल इंक्रीज बट एक प्रॉब्लम आ सकती है और प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बिकॉज इंडियन इकोनॉमी या इंडिया का स्पेशली एग्रीकल्चर इज मोर डिपेंडिंग ऑन द मॉनसून और एग्रीकल्चर पर बाकी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती है और जब मॉनसून थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है स्पेशली नीचे जब होता है तो बड़ी प्रॉब्लम आती है इंडियन इकोनॉमी के अंदर और आने वाले समय में इसके चांसेस थोड़े ज्यादा है ये मैं नहीं कह रहा हूं लास्ट टाइम निर्मला जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था इवन आईएमडी ने भी कहा कि बारिश जो है वो थोड़ी सी कम हो सकती है लेट्स वॉट विल हैपन इन फ्यूचर बट राइट नाउ दैट इज अ कंडीशन चलो अब आगे बढ़ते हैं अभिलाष टॉमी स्क्रिप्ट मैराटाइम हिस्ट्री अभी अभिलाष टॉमी साहब है कौन ये हमारे नेवी के रिटायर्ड कमांडर है अब इन्होंने क्या रिकॉर्ड किया एक ना टूर्नामेंट होती है कॉल्ड ग्लोब रेस गोल्डन ग्लोब रेस गोल्डन ग्लोब रेस नाम का एक टूर्नामेंट होता है जहां पे आ, टू थर्टी सिक्स डेज आपको समुंदर में जाना है चरनी अकेले करनी है आपके साथ कोई नहीं रहेगा यू विल बी ऑल अलोन ऑन योर शिपके So, ये टू थर्टी सिक्स डेज का जर्नी होता है ये फ्रांस से शुरू होता है और वहीं पे खत्म हो जाता है ये टू थर्टी सिक्स प्रॉपर रेस है बहुत सारे कंट्रीज के लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस बार कम से कम कुछ ग्यारह कंट्रीज के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था ही इज एट द सेकंड नंबर दूसरे नंबर पर इन्होंने इस रेस को खत्म किया पहले नंबर पे कौन है तो साउथ अफ्रीका की एक महिला आ, सेलर है क्रिस्टीन आ, नुशाफेर उनका नाम है और ये दुनिया की पहली महिला जिन्होंने इस रेस को पहले पायदान पे खत्म किया अकेले और ये इंडिया के जो टॉमी साहब है अभिलाष टॉमी ये सेकंड नंबर पे आ गए इनकी तारीफ हमारे नेवी के हेड द्वारा भी की गई कोई बताएगा हमारे देश के नेवी के एडमिरल साहब कौन है उनका नाम जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए सो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये ऐसी चीजें शायद मीडिया ना बताए इन चीजों पे शायद कोई बात ना करे पर बहुत जरूरी है टू थर्टी सिक्स डेज का ये पूरा सेलिंग था अकेले कंप्लीट किया है समुद्र में विदाउट एनी सपोर्ट इट्स अ बिग थिंग नो डाउट अबाउट दैट गोल्डन यहां पे ग्लोब रेस इसे नाम दिया जाता है स्टार्ट फ्रांस से होता है ध्यान रखिएगा और जो नंबर वन पे साउथ अफ्रीकन सेलर क्रिस्टन नुशाफेर इनका भी नाम याद रखेगा बिकॉज पहली महिला है जिन्होंने किया आर हरिकुमार साहब की बात करेंगे एब्सोल्युटली राइट right, बहुत बढ़िया ठीक है ये सोचो कि बिना चलो कोई है नहीं बात करने के लिए कोई नहीं नो कोई कोई मोबाइल नहीं और आपको बता कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करना यहां पे नो टेक्नोलॉजी एट ऑल जो पुराने जमाने में सेलिंग करते थे के बस उस तरीके से आपको सेलिंग करनी है विदाउट एनी न्यू टेक्नोलॉजी ये भी इसका रूल होता है इसका बाहर निकले एंड अगेन सो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि भाई कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए पीछे नहीं हटना है इन्होंने भी लॉस झेला हुआ है उसमें जान बची इनकी बट अगेन ही स्टार्टेड एंड ही अचीव तो एक बात याद रखो अगर एग्जाम कभी नहीं निकलती है दैट मीन यू आर नॉट कैपेबल और यूर रीडिंग समथिंग रॉन्ग कुछ शायद थोड़ा सा 19 उन्नीस का फर्क रहा होगा वापस पूरे जोश के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम शुरू करनी है और अचीव करना और लोग करते हैं एग्जाम्पल आपके सामने है ध्यान रखिएगा चलो स्टार्ट करेंगे आगे बढ़ते हैं गोल्ड फॉर अमन वनिष्का एंड पूजा एट द एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप लास्ट टाइम शायद ये न्यूज मैंने कवर भी की थी जब अनुराग ठाकुर साहब ने ट्विटर के द्वारा कांग्रेचुलेट किया था ध्यान रखिए अंडर 18 एथलेटिक्स uh, चैंपियनशिप जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप है ये फिलहाल ताशकंद के अंदर चल रही है ताशकंद ताशकंद किस कंट्री में आता है जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा तो ताशकंद के अंदर चैंपियनशिप में इंडिया को और तीन गोल्ड मेडल्स है अमन वनिष्का एंड पूजा दे गॉट द गोल्ड मेडल्स ध्यान रखिएगा एग्जाम में ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट जी उज्बेकिस्तान के अंदर आता है वेरी गुड जी आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट Uh, सात्विक एंड चिराग सो so, uh, सात्विक साईराज रान रेड्डी एंड चिराग शेट्टी uh, इंडिया के बड़े फेमस बैडमिंटन प्लेयर है और एशियन चैंपियनशिप के अंदर इनको जीत हासिल हुई 58 एट ईयर्स के बाद इंडिया को एशियन चैंपियनशिप में यहां पे डबल्स में जीत मिली 58 एट ईयर्स कल पीएम साहब ने भी ट्विटर के द्वारा इन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट किया तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों वैसे भी बड़े फेमस है काफी डबल्स के टूर्नामेंट से लोग जीत रहे अगेन दे क्रिएटेड द हिस्ट्री सो ये टूर्नामेंट दुबई के अंदर था लास्ट टाइम स्विस ओपन याद होगा आपको स्विस ओपन हमने डिस्कस किया था बेजल नाम की सिटी है स्विट्जरलैंड में वहां पे स्विस ओपन हुआ था तब भी इनको गोल्ड मेडल मिला अभी दुबई के अंदर जो एशियन चैंपियनशिप है वहां पे भी इन्हें ये जीत हासिल हुई है दोनों का नाम याद रखिए इंपॉर्टेंट है एक और चीज ना थोड़ा सा अगर स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन को केयरफुली देखे तो जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडिया या की बड़ी पर्सनालिटीज किसी स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में ट्वीट करती है चर्चा करती है ऑटोमेटिकली एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तो थोड़ा वहां पे ध्यान रखिएगा बहुत जरूरी है आ, उस स्मार्ट अप्रोच को रखना बिकॉज स्पोर्ट्स की न्यूज बहुत सारी होती है कई बार स्टूडेंट जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होता है वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े कौन से प्लेयर का नाम याद रखे थोड़ा याद रखेगा जहां पे गवर्नमेंट पीएम साहब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थोड़ा इंफॉर्मेशन दुनिया से शेयर कर रहे हैं वहां पर क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं यस दिस में बिग न्यूज डिंग लेरिन क्राउन द किंग ऑफ वर्ल्ड चेस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप चल रही थी और इस चैंपियनशिप में दो प्लेयर फाइनल्स में थे एक चाइना के यू कैन सी ओरियर डिंग लेरिन और उनके अपोजिशन uh, में थे रशिया के इयान नेपोनिचा काची के बहुत डिफरेंट सा नाम है उनका ये दोनों प्लेयर एंड फाइनली ही वन द चाइनीज प्लेयर इस बार जीते पहली बार पहली बार चेस चैंपियनशिप में चाइना के किसी प्लेयर को जीत हासिल हुई है एशिया में अभी तक केवल तीन ही प्लेयर है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती एंड वन ऑफ द इस विश्वनाथन आनंद सर जी आ, वो पहले एशियन थे जिन्होंने चेस चैंपियनशिप जीती थी अब चाइना के ये पहले प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने चेस चैंपियनशिप जीती हुई है सो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बड़ी चर्चाएं चल रही और इस बार की चेस चैंपियनशिप इज वाज नॉट अबाउट अमेजिंग गेम इज अबाउट कौन कम मिस्टेक करता है कि एक्चुअली वही हुआ कि इस बार के चेस चैंपियनशिप में मिस्टेक्स की भरमार थी तो जिसने कम मिस्टेक्स की दैट पर्सन वन इस काइंड ऑफ सिचुएशन इस बार देखने को मिला So, ये दोनों फाइनल्स में थे ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस यहां पे भी डेफिनेटली आपके सामने आएंगे स्पेशली अभी जैसे मैग्नस कार्लसन साहब की हम कई बार बात करते अब आने वाले समय में इनकी काफी बार बात की जाएगी बिकॉज ही बिकम द वर्ल्ड चैंपियन नेक्स्ट एफ वन रेसिंग जी बाकू बाकू में एफ वन रेसिंग चल रही थी और एफ वन रेसिंग के अंदर रेडबुल टीम के सर्जियो पेरेज साहब को यहां पे जीत हासिल हुई उन्होंने अपने ही टीममेट मैक्स वेस्टैपन को हरा दिया इस रेस के अंदर कोई मुझे बताएगा बाकू ये किस कंट्री में आता है जल्दी से बता दीजिए यहां की रेस है बड़ी फेमस रेस है एंड रेडबुल का डोमिनेंस वापस एक बार रहा है एफ एन रेसिंग के अंदर तो सर्जियो पेरेज ही वन दिस रेस मैक्स वेस्टापन को अपने ही टीम मेट को हरा के सेकेंड नंबर पर है जी हाँ जल्दी बता दीजिएगा यस बाकू किस कंट्री में आता है

कैन so सी ये भी एक पॉइंट रहेगा स्पेशल ना आजकल questions ऐसे कि प्लेयर्स के नाम तो पता ही होने चाहिए गोल्ड uh, जीता या कौन सा मेडल जीता इसके अलावा ये चैंपियनशिप कहां पे हुई ये uh, टूर्नामेंट हुई किस कंट्री में हुआ ये भी बहुत जरूरी है चलो फाइन यार इजिप्ट uh, के प्रेसिडेंट साहब का नाम कोई बताएगा जो ट्वेंटी सिक्स ऑफ जैन को रिपब्लिक डे के फंक्शन को इंडिया आए थे जल्दी से उनका नाम एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा जी हाँ <coughs> सर की बात करेंगे ही इन इंडिया अब स्पोर्ट्स वाली हो गई कुछ और भी न्यूज कवर करनी है राज राजनाथ सिंह सर टू हैंड ओवर द पेट्रोल वेसल्स लैंडिंग क्राफ्ट टू मॉलदीव मॉलदीव्स इंडिया की नेबरिंग कंट्री है जल्दी से कमेंट सेक्शन में मॉलदीव का कैपिटल बता दीजिएगा कि मॉलदीव्स का कैपिटल क्या है अब इस कंट्री को हम लोग दो चीजें हैंड ओवर कर रहे हैं एक है पेट्रोल वेसल्स पेट्रोल वेसल्स का मतलब है जिसे गा, कोस्ट गार्ड के पास छोटी छोटी शिप्स होती है जो पेट्रोलिंग करती है तो पेट्रोल वेसल्स और दूसरा यहां पे लैंडिंग क्राफ्ट्स एयरक्राफ्ट की बात हो रही है इन्हें हम गिफ्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं सो गिफ्ट याद रखिए एक और चीज ये कोई बेच नहीं रहे वी आर प्रोवाइडिंग देम एज अ गिफ्ट इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है वापस उसका नाम चर्चा में आ ही जाएगा द नेम ऑफ द पॉलिसी सागर सागर नाम की पॉलिसी है इस सागर नाम के पॉलिसी का फुल फॉर्म कोई बताएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए व्हाट्स द नेम ऑफ द पॉलिसी कॉल्ड एज सागर सो इसी सागर पॉलिसी के अंदर वी आर प्रोवाइडिंग दिस VESSELS एज वेल एज द CRAFT टू 몰디व्स माले इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री जी हां सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन एब्सोल्युटली तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन ये एक पॉलिसी इसके अलावा नेबरहुड फर्स्ट दूसरी एक और पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट जो हमारी नेबरिंग कंट्री है पहले उनके तरफ ध्यान दीजिए पहले उनको हेल्प कीजिए उनको सपोर्ट कीजिए सो सागर नेबरहुड फर्स्ट uh, इसके अलावा यस दैट विल बी द टू पॉलिसीज जिसके अंडर वी आर हेल्पिंग सो so, राजनाथ सिंह साहब ये हैंड ओवर करेंगे ध्यान रखेगा बाकी तो इनफ है एग्जाम के लिए यस आईआरडीए आस्क इंश्योरेंस फॉर्म्स टू ले डाउन सोशल मीडिया रूल्स सेबी के बाद अभी आईआरडीए भी सोशल मीडिया रूल्स को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है लास्ट टाइम याद है आपको सेबी ने फिंफ्लुएंसुएंसर फिनेशियल इन्फ्लुएंसर ये इन्फ्लुएंसर का जमाना आजकल थोड़ा सा डेंजरस बन चुका है बिकॉज बहुत बार व्यूज के लिए बहुत बार आ, अपने आप को फेमस करने के लिए कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है एंड दैट्स वे सेबी टुक द एक्शन अगेंस्ट द दफ वैसे ही आईआरडीआई का भी यह कहना है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कि सोशल मीडिया के लिए रूल्स क्रिएट करने पड़ेंगे बिकॉज इंश्योरेंस सेक्टर में भी यह प्रॉब्लम काफी हो रही है गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है गलत इंफॉर्मेशन अबाउट इंश्योरेंस पॉलिसी स्प्रेड की जाती है और बेचारे कॉमन लोग इनोसेंस uh, में आके उसको खरीद लेते हैं और रियलिटी कुछ और होती है दैट्स व्हाई आईआरडीआई अनाउंस दैट कि वी आर गोइंग टू मेक सम चेंजेस ओवर ईयर एनीवेज इन्फ्लुएंसर्स को लेके थोड़ी परेशानी गवर्नमेंट को भी काफी हो रही है तो अनादर रेगुलेटर क्रिएटेड द रूल ओवर ईयर ध्यान रखिएगा यार एक बात बताइए आई के हेड कौन है इंचार्ज कौन है उनका नाम बता दीजिए आई का हेडक्वार्टर कहां पे, ये भी एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर प्लस इसके हेड कौन <coughs> हैदराबाद में हेडक्वार्टर है देवासि पांडा सर यहां पर हेड है एब्सोल्यूटली राइट वेरी गुड ओके चलो सो so ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां जो आज के न्यूज़पेपर से आपके साथ डिस्कस करनी थी अब आगे बढ़ते और रिवीजन सेशन की तरफ जाते हैं सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं कुछ एमसीक्यूज ये स्टेटमेंट बेस रहेंगे और कुछ एमसीक्यूज है जो वन लाइनर तरीके से है हमने मंथ ऑफ अप्रैल के टॉप हंड्रेड एमसीक्यू का भी एक सेशन कवर किया था तो वो सेशन हम सैटरडे कवर किए थे तो एक बार उस सेशन से भी गो थ्रू कर लीजिएगा अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल प्लस रोज सुबह सात बजे हम सेशन कंडक्ट करते करंट अफेयर ओरिएटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे थ टेक्स बुक फॉर डिफरेंट बचेस जैसे ईपीएफ का बच चल रहा है इवन बैंकिंग एग्जाम्स के बैचेस इफ यू टू एनरोल इन टू समन यूज दिस कोड आप एक कोड यूज कर सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा सा डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा चाहे रेलवे हो एस एस सी ओ यूपीएससी बैंकिंग है यूपीपीएससी या कोई भी और एग्जाम्स उनके लिए कोड यूज करना मत भूलिए विच विल गिव यू अ वेरी गुड डिस्काउंट चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है I.N.S. I.N.S. which 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 was was seen recently, recently, news news belongs to which class class of of an indigenous stealth destroyer? So, Infal, which was in news recently, class of ship में आता है जी किसी को पता होगा जल्दी आंसर कर दीजिए ये क्यों न्यूज में था इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा बट अगर आप में से कोई जानता होगा इसका आंसर तो जल्दी कमेंट सेक्शन तो में डाल दीजिएगा चलो विशाखापट्टनम क्लास की पे बात करेंगे क्लास अब ये न्यूज में क्यों था ध्यान दीजिएगा नाउ रिसेंटली इंडियन थर्ड इंडिजीनियस स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर फिफ्टीन डी क्लास प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट है के और इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देखिएगा विशाखापट्टनम क्लास इसके अंदर कौन कौन आता है तो आई एन एस गोवा इम्फाल एंड सूरत सो so, ये दो शिप्स ऑलरेडी आ चुकी है अब ये तीसरा शिप है जो न्यूज में चल रहा था और उसके बाद सूरत ये चौथा शिप भी आएगा तो ध्यान रखिएगा ये दो ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं नेवी के पास ऑलरेडी है यह स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर है दे आर नॉट एयरक्राफ्ट कैरियर स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर ये आ, हमारे नेवी के ऑफेंसिव एंगल में काम करने वाले शिप्स है बड़े इंपॉर्टेंट शिप्स होते हैं और इन प्रोजेक्ट का नाम है फिफ्टीन भी जिसके अंदर इनको डेवलप किया गया तो इनका मैक्सिमम स्पीड भी आप देख, देख सकते हो यहां पे रैपिड गन माउंट भी होते हैं टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स भी होते हैं सो इवन एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी इन शिप्स के अंदर होते हैं सो इट वॉज इन न्यूज आई एन एस इम्फाल विशाखापट्टनम क्लास ध्यान रखिएगा ये शिप रिसेंटली नेवी को सुपुर्द किया गया इसलिए यहां पे क्वेश्चन आपके लिए बनेगा एक और पॉइंट इस शिप को बनाया किसने है यह तो बनेगा नो डाउट अबाउट दैट तो आप यहां पे देख सकते हो माजगांव डॉक शिप लिमिटेड इनके द्वारा इस शिप को क्रिएट किया गया महाराष्ट्र में कंपनी काम करती है और इनके द्वारा इसे बनाया गया ओके सो so, सिंपल सा क्वेश्चन है बट अगेन न्यूज पता होनी चाहिए उस न्यूज का बैकग्राउंड पता होना चाहिए तो ही यह क्वेश्चन सही बन सकता है आगे बढ़ते हैं चलो इसे पढ़िए तो आप आंसर कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है Which of the following are correct? Multistatement question है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर वियना के अंदर है। 1966 में इस अथॉरिटी को बनाया गया वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन इंडिया इज नॉट अब दिस ऑर्गे दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट इंडिया इज नॉट अतनी बड़ी ग्रुप है और इंडिया में बने ऐसा हो नहीं सकता तो इंडिया इज अ मेंिस ऑर्गेनाइजेशन अब यह ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में क्यों चल रही थी इसका भी रीजन मैं आपको बोलता हूं आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वन ओके पहला पॉइंट तो बहुत क्लियर है सेकंड पॉइंट रॉन्ग है वो भी क्लियर ही था वाइट वॉज इन न्यूज ध्यान दीजिए सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलीज रिपोर्ट कॉल एज अशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे ट्वेंटी वन ट्वेंटी ध्यान दो अच्छे से रिसेंटली एक सर्वे प्रेजेंट किया गया सर्वे प्रेजेंटेड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री हु इज द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया जल्दी से नाम बता दीजिए सर्वे का नाम है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे और इस सर्वे को हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने इनके साथ मिलकर बनाया यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सो इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि इनके साथ मिलकर हमने रिपोर्ट तो बना लिया बट ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली exactly क्या है कहां से काम करती है इंडिया uh, इसका मेंबर है ऑब्वियसली इसमें देखिए टोटल यू कैन सी 171 मेंबर्स यहां पे आते हैं इंडिया इसका मेंबर है बट ऑब्वियस और इस रिपोर्ट को क्रिएट किया गया अगेन नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर है दूसरा पॉइंट दोस्तों ध्यान दीजिएगा द फर्स्ट नेशनल इनोवेशन सर्वे वॉज हेल्ड इन टू थाउजेंड इलेवन ये भी क्वेश्चन बन जाएगा है ना डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम तो आपने सही तरीके से मेंशन किया कि ये सर्वे पहली बार कब बना 2011 रिसेंट एक ना गड़बड़ क्या होती है दिक्कत कहां पे हो सकती है ध्यान दो एग्जाम के लिए नेशनल ये मैन्युफैक्चरिंग जो है ना दिमाग में आएगा इंडस्ट्री So, शायद कॉमर्स मिनिस्ट्री आंसर आ सकता है मैन्युफैक्चरिंग पे और थोड़ा फोकस करेंगे शायद एमएस मिनिस्ट्री भी आप आंसर कर सकते हो और एग्जामिनर बड़े खतरनाक या शातिर तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे क्वेश्चन पूछ लिया और ऑप्शन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री एमएसएमई मिनिस्ट्री नीति आयोग ये ऐसे ऑप्शन अगर डाल दिए ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं सिक्सटी सेवेंटी परसेंट स्टूडेंट गड़बड़ कर देंगे गलती कर देंगे तो आप थोड़ा ध्यान रखेगा दिस सर्वे इज क्रिएटेड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री द रीजन इज इनोवेशन रीजन यहाँ पे इनोवेशन है और इसीलिए उनके द्वारा इसे क्रिएट किया गया इंपॉर्टेंट न्यूज uh, है तो थोड़ा ध्यान रखिए मैंने कहा था कि आज का थोड़ा सा लेक्चर का तरीका अलग रहेगा वे अलग रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ न्यूज को भी डिस्कस करना है नेक्स्ट अग्नि दमन 23 थ्री वॉज ए न्यूज रिसेंटली ये एक्सरसाइज जो है वो किससे बिलोंग करती है अग्नि दमन वॉज इन न्यूज रिसेंटली सो दिस एक्सरसाइज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जी आ, नाम से कुछ चीजें समझ में आई जाती है सो इट्स अ फायर फाइटिंग एक्सरसाइज नो डाउट अबाउट दैट ओके सो रिसेंटली कंडक्ट किया गया यू कैन सी ऑरियर फायर फाइटिंग साउथ कमांड सो साउथ कमांड के अंदर इसे कंडक्ट किया गया 56 सिक्स फायर फाइटिंग यहाँ पे इन्वॉल्व थे 32 टू एजेंट्स भी यहां पे इन्वॉल्व थे ध्यान रखिए अब यहां पे इसे एग्जैक्टली exactly एक्जैक्टली पे कंडक्ट किया गया सो so, इसे कंडक्ट किया गया एम्यूनेशन डेपो देहू रोड पुणे पुणे के अंदर इसे कंडक्ट किया गया यहां पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था तो फायर फाइटिंग एक्सरसाइज है वॉज ऑर्गेनाइज इन पुणे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा बिकॉज लोकेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज कहां पे कंडक्ट की गई यहां पे कोई और कंट्री नहीं थी ज वॉज ऑल अबाउट इंडियन एंटिटीज इंडियन फायर फाइटिंग एजेंसीज विदेल्प ऑफ इंडियन आर्मी बिकॉज इंडियन आर्मी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था यह भी पॉइंट याद रखना वॉज ऑर्गेनाइज इन पुणे दैट विल बी नफ बाकी तो यहां पर और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिंपल सा है इंडिया और यूएस का एक एयर एक्सरसाइज रिसेंटली न्यूज में चल रहा था कोई नाम बताएगा मुझे उसका नाम क्या है इंडिया यूएस का एयर एक्सरसाइज वॉज इन न्यूज रिसेंटली जिस एयर एक्सरसाइज में जपान एज एन ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट किया था जपान एक्चुअल पार्टिसिपेशन तो नहीं था पर एज एन ऑब्जर्वर जापान को बुलाया गया था कोप इंडिया जी एब्सोल्यूटली चलो एक तो सिंपल क्वेश्चन है तिरुनल्ली टेम्पल वॉज इन न्यूज रिसेंटली ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है याद इस टेंपल का रिज्यूविनेशन uh, का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कुछ चीजें डिस्ट्रॉय की गई कुछ चीजों को हटा दिया गया दैट्स वाई काफी सारे इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट ने यहां पर क्वेश्चन रेज किया है सो यह टेंपल एग्जैक्टली कहां से बिलोंग करता है जी आंसर इस केरला केरला का ये टेंपल है uh, अब इस टेंपल को लेके ये जो अथॉरिटी है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इनके द्वारा क्वेश्चन रेज किया गया प्रॉब्लम है कि ये जो uh, टेंपल है ये टेंपल काफी ओल्ड टेंपल है कम से कम 600 साल पुराना ये टेंपल है लॉर्ड महाविष्णु का टेंपल है इस टेंपल की मरम्मत चल रही थी इसका रिजुविनेशन रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसमें कुछ हिस्टोरिकल uh, चीजों को हटाया गया टे द हिस्ट्री यू शुड में हिस्ट्री एज इट इज राट था और हमें उनसे नफरत है तो हटा दो ये तरीका बहुत बार गलत होता है और इसीलिए काफी प्रॉब्लम चल रही है सो so, uh, अगर इस अथॉरिटी की बात करें इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर नाइनटीन एटी वन में एटी uh, फोर में सॉरी इस अथॉरिटी को बनाया गया इसका हेडक्वार्टर दिल्ली से वर्क करता है इट। बाकी तो ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस याद रखना लॉर्ड महाविष्णु का टेम्पल है इसके अराउंड भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है यस yes, अब थोड़े से वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते वापस फिर स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे वेरी सिंपल क्वेश्चन इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट इन मार्च 2023 चलो मुझे बता दीजिए इसका आंसर तो ठीक है आठ कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है नाम बता दीजिएगा आठ कोर इंडस्ट्रीज कोर इंडस्ट्रीज का डेटा आता है और जिस डेटा के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे देश की कोर इंडस्ट्रीज कैसे परफॉर्म कर रही है कोर इंडस्ट्री का मतलब है कि बेसिक इंडस्ट्रीज जिनके भरोसे बाकी इंडस्ट्रीज वर्क uh, करेगी अगर यही इंडस्ट्रीज सही तरीके से काम नहीं करती तो बाकी इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा तो कोर इंडस्ट्रीज को चेक करने के लिए हमारे पास दो इंडाइसेस है एक इंडेक्स अलग से केवल कोर इंडस्ट्रीज का वैल्यूएशन देगा और एक और फेमस इंडेक्स है जिसका नाम है आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सो आईआईपी आईपी एंड वनादर इंडेक्स इज ओनली अबाउट द कोर इंडस्ट्रीज इन दोनों के द्वारा डेटा हमारे पास आता है इंडस्ट्री मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री काफी बड़ा रोल प्ले करती है इन डेटा को हमें प्रोवाइड करने के लिए अब ध्यान हमारे देश की आठ कोर इंडस्ट्रीज के नाम कोल क्रूड ऑयल नेचुरल गैस रिफाइनरी इलेक्ट्रिसिटी फर्टिलाइजर सीमेंट एंड स्टील सो दीज आर दर इंडस्ट्रीज वी हे इन इंडिया अब ना एक और क्वेश्चन आता है आप में से कुछ लोग शायद जानते भी होंगे कि आठ कोर इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है तो आप देख सकते हो रिफाइनरी रिफाइनरी के ब्रैकेट में देखिए 28.04 परसेंट तो हाईएस्ट वेटेज इज टू द रिफाइनरी उसके बाद आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज है उसके बाद स्टील का वेटेज है देन यू कैन सी कोल क्रूड ऑयल चुरल गैस सीमेंट एंड देन फर्टिलाइजर ये वेटेज है वेटेज का मतलब है क्या है कि अगर सपोज ये आठ कोर इंडस्ट्रीज का मुझे वैल्यूएशन निकालना है और मैंने सपोज सौ नंबर दिए कि सौ में से किसको ज्यादा वेटेज चाहिए तो वेटेज इनके पास ज्यादा रहेगा रिफाइनरीज के पास अगेन हर कंट्री में कोर इंडस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट होता है हमारे कंट्री में भी बट ऑब्वियस है ये कोर सेक्टर नहीं है कोर इंडस्ट्रीज है कोर इंडस्ट्रीज़ का मीनिंग ये होता है कि बाकी इंडस्ट्रीज इन पे डिपेंड है अगर यही इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं करेगी तो बाकी इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली नीचे आएगा अब जस्ट ध्यान दीजिए फर्टिलाइजर अगर सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो एग्रीकल्चर के ऊपर इंपैक्ट होगा बट ऑब्वियस इलेक्ट्रिसिटी परफॉर्म नहीं करेगी सभी के ऊपर इंपैक्ट होगा रिफाइनरी परफॉर्म नहीं करेगी अगेन सभी के ऊपर इंपैक्ट होगा बिकॉज uh, हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोल डीजल कहां से आएगा सो दैट्स दिस इंडस्ट्रीज मैटर्स अ लॉट फॉर द इकोनॉमी और आईआईपी के द्वारा ये द्वारा चेक किया जाता है नेक्स्ट इंटरनेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट करते हैं सिंपल सा क्वेश्चन है इंटरनेशनल डांस डे आप में से बहुत सारे डांसर्स भी होंगे सो so, uh, लोगों ने काफी सोशल मीडिया पे अपने स्टेटस वेटस रख दिए थे सो so, जल्दी बता दीजिएगा जी ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अप्रैल की बात करेंगे uh, एक बार देख लेते यूनेस्को के द्वारा द डायलॉग विथ नेचर लाइफ एंड द वर्ल्ड इस नाम से एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था ये ये इमेज मैंने जानबूझ डाली हुई है यूनेस्को की इमेज है एंड चाइना uh, के अंदर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था और उस फंक्शन के के अंदर यू कैन सी पे आप लिखा है चाइना एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था था जिसका थीम रखा गया डायलॉग विद द द नेचर लाइफ एंड वर्ल्ड तो इसी एशिया इन ट्वेंटी टू दो बाईस की बात करेंगे कि सबसे ज्यादा लोन एडीबी से 2022 में किस कंट्री ने लिया 2020-21 uh, का अगर डेटा चेक करें तो इंडिया सबसे टॉप में था 2020-21 कोविड 19 के वक्त में 2021-22 की बात करें तो पाकिस्तान सबसे टॉप में आता है सबसे ज्यादा लोन पाकिस्तान ने लिया हुआ है के okay. अब ध्यान दीजिए uh, <coughs> यहां पे कुछ पॉइंट है जिसके ऊपर आपके साथ मुझे बात करनी है कि टोटल लोन कितना पाकिस्तान के द्वारा लिया गया तो टोटल थर्टी बिलियन टोटल 31.8 बिलियन का लोन एडीबी ने दिया है टोटल पूरा मीन जो डेवलपिंग कंट्रीज है एडीबी ने दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया उसमें से 5.58 5.58 बिलियन का लोन पाकिस्तान ने लिया हुआ है कोविड 19 के वक्त में भी हमने कम से कम फाइव बिलियन तक का लोन हम भी ले चुके थे एडीबी से लोन लेना देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो लोन मिलता है ना उसमें एक बात बहुत जरूरी है डेवलपमेंट ये लोन आ, आपके जैसे आई एम एफ लोन देती है बैंक के लिए ऐसे लोन नहीं होते ये लोन किसी ना किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी ना किसी काम के लिए आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे इंडिया में बहुत बार एडीबी का लोन आता है तो किसी पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कनेक्टिविटी के लिए वाटर कनेक्टिविटी रोड्स के लिए तो वैसे ही एडीबी नॉर्मली लोन प्रोवाइड करती है एशियन डेवलपमेंट बैंक नाइनटीन में बनाया गया एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला के अंदर आता है यार एक क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए फिलहाल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए फिलहाल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? आ, थोड़ा सा एडीबी को देख लेते थोड़ा सा एडीबी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1966 एक पॉइंट याद रखो यहां ये बहुत जरूरी है ये पढ़ो थोड़ा अच्छे से प्रॉस्परस इंक्लूसिव रेजिलियेबल एशिया पैसिफिक एफर्ट टू इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी सो एडीबी के थीम में ही मेंशन किया है टू इराडिकेट द एक्सट्रीम पॉवर्टी वर्ल्ड बैंक के भी थीम में ये मेंशन किया जाता है टू इराडिकेट द एक्सट्रीम पॉवर्टी तो जिन जिन इंस्टीट्यूशन में डेवलपमेंट ये वर्ड लिखा हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक एनडीबी इवन वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट सो दीज इंस्टीट्यूशन आर वर्किंग बेसिकली फॉर इराडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी नाइनटीन में इसे क्रिएट किया गया अब ध्यान दीजिए सो सिक्स एट मेंउ विच फोर्टी नाइन आर फ्रॉम द एशिया एंड नाइनटीन आर फ्रॉम द आउटसाइड सो टोटल सिक्सटी एट मेंबर्स है उसमें से फोर्टी नाइन आर फ्रॉम द एशिया पैसिफिक रीजन एंड नाइनटीन फ्रॉम द आउटसाइड सो ये भी एक पॉइंट यहां पर बहुत जरूरी है असा कावा साहब यहां पे हेड है इंचार्ज है जी हाँ Yes, uh, शहबाज शरीफ साहब की बात करेंगे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बहुत बढ़िया चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर कर दीजिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर सर लॉन्चेस फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ट्वेंटी एट ऑफ अप्रैल को हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब के द्वारा यह सेंटर ओपन किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके बहुत सारे फंक्शंस अलग अलग सिटीज में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं तो इसका एक एक्सपीरियंस सेंटर ओपन किया गया तो इस सेंटर के थ्रू आपको मिलेट्स की सारी जानकारी मिलेगी मिलेट्स की और कौन सी डिशेज बन सकती है उसकी भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी सो आंसर इज न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली के अंदर इसे ओपन किया गया ध्यान रखिए मिलेट्स के बहुत सारे फंक्शन इंडिया में ऑर्गेनाइज किए जा रहे uh, तो काफी सारे क्वेश्चन आप एक्सपीरियंस कर सकते हो नेक्स्ट सिंथान स्नो फेस्टिवल टेकिंग प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस सिंपल अनदर वेरी सिंपल क्वेश्चन जल्दी से आंसर कर दीजिएगा सिंथान स्नो फेस्टिवल ये कौन से यूटी या स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया अब स्नो फेस्टिवल है तो ऑब्वियसली ये तो नहीं आएगा के okay. जम्मू कश्मीर सिक्किम एंड हिमाचल सिक्किम के भी चांसेस कंपैरेटिवली कम है आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया जल्दी से मुझे बताइए जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का नाम क्या है और द नेम ऑफ जम्मू कश्मीर इज गवर्नर जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर कि वो यस uh, yes. सर की बात करेंगे Absolutely. चलो आगे बढ़ते हैं वर्कशॉप ऑन इंडियन सिनेमा विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज कौन से कंट्री में वर्कशॉप ऑन इंडियन सिनेमा रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया कि इंडियन सिनेमा आ, कैसे बनता है उसकी हिस्ट्री क्या है तो इस कंट्री में भी उसकी जानकारी मिले ये भी अपने मूवीज को बड़े बेहतरीन तरीके से बना सके फॉर दैट पर्पज ये ऑर्गेनाइज किया गया यहां पे हमारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है बहुत बड़ा रोल है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री अनुराग सिंह ठाकुर सर मिनिस्टर है द नेम ऑफ द कंट्री इज श्रीलंका हमारी नेबरिंग कंट्री है नेबरहुड फर्स्ट जिया। हाँ या जल्दी से मुझे बताइए श्रीलंका का कैपिटल सिटीज श्रीलंका के अंदर दो कैपिटल सिटीज देखने को मिलती है जल्दी से नाम बता दीजिए कैपिटल सिटीज ऑफ श्रीलंका और साथ में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका जल्दी से दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए कोल्ंबो जयवर्धनेकोटे इज अब्सोल्युटली राइट right, बहुत बढ़िया आंसर सुनील खुशबू मास्टर वेरी गुड स्ट्राइक एंड जिया ज द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री दिनेश गुणवर्धन सर की बात करेंगे यस दिनेश गुणवर्धन सर कोलंबो एंड जयवर्धन कोटे दो कैपिटल सिटीज है इस कंट्री के अंदर एंड दिनेश गुणवर्धन सर ये फिलहाल प्राइम मिनिस्टर है एब्सोल्यूटली राइट right, बहुत बढ़िया आ यार एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं श्रीलंका की बात चल रही इंडिया का भी बात चल रहा है साथ में श्रीलंका को डेट वाले प्रॉब्लम से लोन वाले प्रॉब्लम से निकालने के लिए तीन कंट्रीज ने अपना ग्रुप बनाया उसमें इंडिया है साथ में और कौन सी दो कंट्रीज है जल्दी बता दीजिएगा कि श्रीलंका को इस लोन वाले से निकालने के लिए ग्रुप बनाया गया दो कंट्रीज है जल्दी इंडिया के साथ मिलकर श्रीलंका को इस डेट वाले प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए मदद कर रहा है चलो विच ऑफ द फॉलो एयरलाइन वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक चेकिंग असिस्टेंट एयरलाइंस uh, ने चेक इन करने के लिए रोबोटिक असिस्टेंट क्रिएट असिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है वर्ल्ड में पहली बार दुनिया की वन ऑफ द वेरी फेमस एयरलाइंस की यहां पे बात करेंगे और इस एयरलाइंस uh, को रिसेंटली इंडिया के तरफ से एक अवार्ड भी मिला कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया में यह एयरलाइंस चलाती है एमिरेट्स की बात करेंगे दुबई में इनका हेडक्वार्टर है एमिरट्स का और इन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक चेक इन

यूरोपियन कमीशन है एंड ई आई बी विल इन्वेस्ट हाउ मेनी बिलियन इन क्लाइमेट एक्शन क्लाइमेट एक्शन के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड ये लोग इन्वेस्ट करेंगे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ई आई बी का फुल फॉर्म है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक लक्जमबर्ग में इसका हेडक्वार्टर है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का नाइनटीन फिफ्टी एट में ई आई बी को बनाया गया सॉरी नाइनटीन फिफ्टी एट एंड क्लाइमेट एक्शन के लिए दे आर गोइंग टू स्पेंड टोटल एटीन यूरोज एटीन बिलियन यूरो सॉरी, गड़बड़ हो जाएगी कि अठारह यूरो में क्या ही कर लेंगे क्लाइमेट एक्शन में तो जिया एटीन बिलियन यूरोज की बात की जा रही है लग्जमबर्ग में हेडक्वार्टर है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक याद रखेगा नाइनटीन फिफ्टी एट में बनाया गया नेक्स्ट <coughs> Which of these UTs have, has uh, approved a draft proposal on labor working conditions?

जहां पे डेज है वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं ध्यान रखिएगा नेक्स्ट वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी हेल्थ एट वर्क इज ऑन के सो यस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डे अगेन ये भी आई के द्वारा ही ऑर्गेनाइज होता है जैसे लेबर डे आई ऑर्गेनाइज कर रही है ये डे भी इसका भी सेलिब्रेशन आई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही करती है सो so ये डे हम लोग मनाते हैं ऑन द ट्वेंटी एथ ऑफ अप्रिल चलो आ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं बेटर रहेगा एग्जाम के लिए जाइए का वेबसाइट है आप पॉइंट okay. uh, so, मेंशन भी किया गया बाकी तो इनफ रहेगा एग्जाम के लिए नथिंग मोर जिनेवा थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था यस yes, चलो अब इसका आंसर कर दीजिए एक और शिप है आई तर्कश <coughs> ये न्यूज में चल रही है रीजन इज सुदान सुदान में एक ऑपरेशन चल रहा है ना, कोई नाम बताएगा मुझे इस ऑपरेशन का जिस ऑपरेशन के तहत हम से इंडियंस जो है उन्हें वापस ला रहे हैं तो वहां पे ये शिप का भी रोल बहुत बड़ा है आईएनएस तरकश की बात की जा रही है सो इट्स अ तलवार क्लास स्टिल फ्रिगेट फ्रिगेट ये थोड़ा छोटा शिप होता है एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर के बाद फ्रिगेट की बात की जाती है तो तलवार क्लास फ्रिगेट है जो अभी न्यूज में चल रहा है बिकॉज़ से जिन Master, ये एरोप्लेन है वो भी ऑपरेशन कावेरी में लगा हुआ है और साथ में ये जो आई एन एस तर्कस तर्कश इसे भी हमने यूज किया देखिए ऑपरेशन कावेरी बाय एयर बाय सी दोनों तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है और दोनों का नाम एक ही है क्योंकि कोविड नाइनटीन के वक्त में थोड़े नाम अलग अलग रखे गए थे यहाँ पे सेम नाम रखा गया ऑपरेशन कावेरी तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अगेन तलवार क्लास मिसाइल बाय वे इसे रशिया के साथ मिलकेट बनाया गया है रशिया एंड इंडिया टूगेदर क्रिएटेड दिस तलवार क्लास शिप्स ये भी पॉइंट याद रखेगा बाकी इनफ है चलो नेक्स्ट रिसेंटली न्यूज ये कहां पे लोकेटेड है लोग आ रहे इंडिया में उनको इस मोनेस्ट्री में वहां पे, पे उन्होंने विजिट किया एन आंसर इज लद्दाख लद्दाख की बात करेंगे ध्यान रखेगा सो so, जी ट्वेंटी डेलीगेट विजिटेड दिस मोनेस्ट्री इन लेह के और साथ में डांस फॉर्म को भी उन्होंने यहां पे विजिट किया लेह लद्दाख के अंदर वाई ट्वेंटी 20, 20 के बारे में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था दैट्स जी 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 मैंने G20 आपको एक बात बताई थी कि की जितनी मीटिंग्स हो रही है जितनी हो रही है साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म को भी प्रमोट कर रही है तो जहां कहीं पे कॉन्फ्रेंस है उस एरिया में जो प्लेसेस टूरिज्म के लिए फेमस है वहां पे सारे डेलीगेट्स को वहां पे विजिट करवाया जाता है वहां पे वो प्लेसेस उनको दिख खाई जाती है तो उसी का एग्जाम्पल यहां पर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा कि एग्जैक्टली exactly ये मोनेस्ट्री कहां पर आती है किस रीजन में आती है नेक्स्ट सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये न्यूज में क्यों चल रहा था आपको याद है हमने इकोलॉजिकल जोन की बात की थी इफ यू रिमेंबर कि उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे तो वो न्यूज इसी के रीजन से थी सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जी हा शिवालिक रेंज में आता है पर इट्स नॉट रामसार साइट ये रामसार साइट नहीं है सो so एक बार इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली exactly क्या यहाँ पे हरियाणा पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इको सेंसिटिव जोन इफ यू रिमेम्बर

सो हरियाणा पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स का ये केस था ये आता है चंडीगढ़ के अंदर पर आपको पता है चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट्स के लिए कैपिटल है एंड इसलिए वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स की यहां पे बात की गई है इस केस के अंदर uh, इसका जो सुखना लेक है ये रामसा साइड के अंदर नहीं आता है बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे सांबर डियर बाकिंग डियर वाइल्ड बोर यहां पर याद रखेगा यहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के लिए बाकी जो ठीक है नेक्स्ट नेक्स्टनेस एंड रेजिलियस फॉर इमर्जिंग थ्रेड इनिशियो न्यूज इज ऑर्गेडने जाते उनसे अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को उसके अगेंस्ट रेडी करने के लिए ये नॉर्मली इनिशियेटिव क्रिएट किया गया इनिशियेटिव का शॉर्ट फॉर्म देखिए प्रेट फुल फॉर्म स एंड रेजिलियस फॉर इमर्जिंग थ्रेड अगर हेल्थ की बात हो रही है सो ऑब्वियसली आंसर इज डब्ल्यू एच ओ डब्लू एच ओ यहां पर आंसर बन जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए डब्ल्यू एच ओ का हेडक्वार्टर कहां पर डब्ल्यूएचओ के हेड कौन है जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा उनके द्वारा यह कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया जैसे कोविड नाइनटीन पैंडेमिक आया उसी तरीके से अगर और कोई पैंडेमिक या एपिडेमिक आता है तो उससे फाइट करने के लिए हम क्या करें इस के लिए इसे बनाया गया तो ऑब्वियसली अलग, अलग अलग कंट्रीज आ, यहां पे बाकी सारे कंट्रीज इसे फॉलो करेगी इंडिया के अंदर भी हेल्थ मिनिस्ट्री का रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा इन चीजों को इंप्लीमेंट करने का जीनीवा के अंदर हेडक्वार्टर है डब्ल्यू एच ओ का और हु इज द हेड ऑफ डब्ल्यू एच ओ टेडेरस एडोनॉम सर की बात करेंगे एप्सोल्यूटली राइट वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कर दीजिएगा यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजीनियस इश्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िएगा यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजीनियस इश्यूज इसको लेके एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिजीनियस कम्युनिटीज होती है जैसे कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज है जो वहां की लोकल कम्युनिटीज है उसे इंडिजीनियस कम्युनिटीज कहा जाता है उनके अपने कल्चर को भी प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी बनती है तो उसी के अराउंड ये क्वेश्चन है इट इज एन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इट इज मैंडेटेड टू डील ओनली द कल्चरल इश्यूज ऑफ इंडिजिनियस पीपल ये ओनली वर्ड बड़ा डेंजरस बन जाता है ये रॉन्ग हो गया ओनली कल्चरल इश्यूज की बात नहीं करेंगे कल्चरल सोशल इकोनॉमिकल इनके ऊपर भी बात होगी केवल कल्चर थोड़ी प्रोटेक्ट करना है सोशल एंगल भी डेवलप करना है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट uh, भी करनी है तो केवल सोशल के लिए तो होगा नहीं पहला पॉइंट राइट इकोसॉक इकोसॉक के अंदर आता है Ecosok, है न्यूयॉर्क में में 1945 बनाया गया और उसी के अंदर अथॉरिटी काम करती है ध्यान रखेगा सो वन ओनली सो अगेन अ वेरी सिंपल ध्यान रखना इंडिजीनियस कम्युनिटीज मीन जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज है उनके सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के एंगल में कल्चरल एजुकेशन हेल्थ ह्यूमन राइट्स इन सबको डेवलप करने के लिए यह पर्टिकुलर चीज न्यूज में चल रही थी नेक्स्ट ऑपरेशन कावेरी एवरीवन नो सबको पता है मुझे बस बता दीजिएगा सुदान का कैपिटल और करेंसी क्या है जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर सुदान का कैपिटल और करेंसी जल्दी बता दीजिएगा वैसे तो बड़ा सिंपल है ज्यादा दिक्कत यहां पे नहीं जाएगी uh, जी हाँ सुदान का कैपिटल एंड द करेंसी चलो आपके साथ ना एक पॉइंट डिस्कस करना है uh, एक्चुअली इसमें मैंने नोट्स में मैंशन तो नहीं किया बट मैं आपको लिखवा देता हूं तो अगर आपके पास बुक uh, कोई पेज है पेन है तो प्लीज लिख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के नाम लिखवा देता हूं जो बड़े फेमस हुए और जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो तो है। इंटरनल चल kind of kind of है चलो लिख लीजिए सबसे पहला एक ऑपरेशन लिखिए नाइनटीन का जहां पे हमने कुछ इंडियंस को देखिए हम वही ऑपरेशंस के ऊपर बात करेंगे जहां जिस ऑपरेशंस के अंदर इंडियंस को इंडिया वापस लाया गया ओके तो पहला ऑपरेशन लिखेगा 1987, श्रीलंका में कंडक्ट किया गया था ऑपरेशन इज कॉल्ड एज अ प्रो मालाई प्रो मालाई वॉज अ नेम ऑफ द ऑपरेशन तो मैं यहां लिख देता हूं

देन ऑपरेशन सुकून 2006 में ऑपरेशन सुकून बैरुत से कुछ इंडियंस को वापस लाना था तब इसे इंप्लीमेंट किया गया था ऑपरेशन सुकून 2006 थाउजेंड की बात करेंगे ठीक है उसके बाद लिख लीजिएगा जल्दी से नेक्स्ट इज सेफ होम कमिंग सेफ होम कमिंग दो नेपाल में अर्थक्वेक वाला जब सिचुएशन आता जो इंडियंस वहां पे फंसे थे उनको सेफली इंडिया लाने के लिए सेफ होम कमिंग वॉज द नेम ऑफ द ऑपरेशन जिसे इंप्लीमेंट किया गया अगेन श्रीलंका की बात करेंगे सॉरी श्रीलंका में रहो मैं नेपाल की बात करेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन राहत यमन ऑपरेशन राहत वॉज फ्रॉम द यमन 2015 है ऑपरेशन राहत को इंप्लीमेंट किया गया 2015 में तब सुषमा स्वराज जी वॉज द एक्सटर्नल अफेयर शी पर्सनली टू केयर ऑफ दिस ऑपरेशन राहत फ्रॉम यमन ये भी एक पॉइंट याद रखेगा देन हम बात करते हैं उसके बाद यस नेक्स्ट इज इंसानियत के इंसानियत वॉज द अनदर uh, ऑपरेशन पर इसमें इंडियंस को नहीं लाया गया म्यांमार में इश्यू चल रहा था तो म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम्स को बांग्लादेश में ले जाने के लिए बांग्लादेश में उनको सही तरीके से रेफ्यूजीज uh, uh, को uh, पहुंचाने के लिए इंसानियत नाम का ऑपरेशन इंप्लीमेंट किया गया था इसमें इंडियंस को लाने का कोई सीन नहीं था यहां पे uh, रोहिंग्या मुस्लिम्स की बात करेंगे दो में इसे इंप्लीमेंट किया गया था ऑपरेशन इंसानियत ये इंडियंस के एंगल में नहीं था उसके बाद हम लोग बात करते आ, समुद्र सेतु एवरी वन नोज एंड वंदे भारत समुद्र सेतु बाय वे ऑफ समुंदर कोविड नाइनटीन एंड वंदे भारत अगेन कोविड नाइनटीन कोविड नाइनटीन के टाइम पे दो है समुद्र सेतु एंड वंदे भारत देन ऑपरेशन गंगा चलो ऑपरेशन गंगा के बारे में आप लोग बताइए कि ऑपरेशन गंगा हमने किस कंट्री के एंगल में इंप्लीमेंट किया ये आप बताएंगे मुझे ऑपरेशन गंगा जी ऑपरेशन गंगा ऑपरेशन देवी शक्ति एंड ऑपरेशन दोस्त ये तीनों के बारे में आप लोग मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिएगा सो ऑपरेशन गंगा देन देवी शक्ति सॉरी एंड हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग देश ऑपरेशन दोस्त इज अगेन वेरी फेमस सो ऑपरेशन देवी शक्ति फॉर अफगानिस्तान ऑपरेशन गंगा इज फॉर यूक्रेन एंड ऑपरेशन दोस्त इज फॉर अभी टर्की के अंदर जो अर्थक्वेक आया था उसके लिए उसे इंप्लीमेंट किया गया एंड कावेरी वी नो अबाउट इट ओके सो so, uh, इसका एक पीडीएफ मैं बोलता हूं एक बार टीम को कि इसका पीडीएफ अगर बन गया होगा तो आपके साथ शेयर कर दे एक बार आपके साथ वो शेयर कर दे तो आपके साथ एक डॉक्यूमेंट रहेगा सो आई विल लेट द टीम नो अबाउट इट वो आपके साथ मैं ही टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर देगी डोंट वरी अबाउट इट ओके चलो आगे बढ़ते हैं एयरफोर्स रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग टू विच कंट्री ये कौन से कंट्री से हेलिनिक एयरफोर्स ये इस कंट्री के एयरफोर्स का नाम है यहां पर एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जा रही है किसी को पता है कौन सी एक्सरसाइज है इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है इंडियन एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट कर रही है जी आंसर इस ग्रीस की बात करें ग्रीस एथेंस इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री बड़ी हिस्टोरिकल कंट्री है और यहां पे एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है एक्सरसाइज का नाम है नेम ऑफ द एक्सरसाइज और यहाँ पे इंडियन फोर्स भी पार्टिसिपेट कर रही है मल्टीपल कंट्रीज है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है एंड ग्रीस इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है सुखोई प्लेन्स हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है अच्छे से पढ़िएगा बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है टिफिकेशन नंबर लैंड पार्सल का मतलब है अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट लैंड लैंड पार्सल सो उसका एक अलग नंबरिंग दी जाती है द टेन डिजिट नंबर द आइडेंटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लैंड पार्सल ये पॉइंट सही है ये पॉइंट गलत है बिकॉज टेन डिजिट नहीं फोर्टीन डिजिट का ये पिन है ये क्योंकि देखिए मैं आपको ना एग्जाम्पल देता हूं ये क्या ये क्या माजरा है एग्जैक्टली सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई डेवलपमेंटल वर्क करना हुआ कहीं पे आ, एक्सप्रेस वे क्रिएट करना होगा कहीं पे मेट्रो ट्रेन बनानी होगी कहीं पे बुलेट ट्रेन बनानी है तो लैंड एक्वाइजेशन नाम का कॉन्सेप्ट होता है कि कहां पे गवर्नमेंट के पास लैंड है या कोई लैंड खरीदनी पड़ेगी तो लैंड पार्सल्स कंसेप्ट इसलिए बहुत बार यूज करते हैं कि कहां की लैंड हमारे लिए अच्छी रहेगी कहां की लैंड हम खरीद सकते हैं किस लैंड का क्या प्राइसिंग रहेगा तो एक यूनिक नंबर अगर जनरेट कर देते हैं तो उसके भरोसे चीजें काफी सॉर्ट हो जाएगी सो ये केवल एक लैंड या एक सेपरेट लैंड के लिए नहीं होता है उस रीजन में जो अलग अलग लैंड आएगी तो उसे लैंड पार्सल ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है तो यहां पे पहला गलत है बिकॉज 14 नंबर का ये कॉन्सेप्ट है ध्यान रखिए अगेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसे डेवलप किया हुआ है ट्वेंटी सिक्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीपमेंट मिनिस्ट्री जल्दी से मुझे बता दीजिए डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनका नाम बता दीजिए सो देव डेवलप यहाँ पे देखिए फोर्टीन डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे सो so लैंड का जो डेटा है उसे आ, यहाँ पे आ, उसको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा जिया हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री गिरिराज सिंह सर की बात करेंगे एब्सोल्युटली राइट right, बहुत बढ़िया ठीक है स्वामित्व के अंदर हम लोग क्या करते हैं स्वामित्व के अंदर हम जो लैंड्स के डिस्प्यूट्स है उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करके फिर उसको रजिस्टर करवा लेते हैं यहां पे क्या हो रहा है लैंड पार्सलैंड ग्रुप ऑफ लैंड ग्रुप ऑफ मल्टीपल ओनरशिप की लैंड उसका एक लैंड पार्सल बनाएंगे कि इस latitude, इस लैटिट्यूड के अंदर कितने लैंड या कितना एकड़ का लैंड आता है उस तरीके से सो तो ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है उसी से रिलेटेड है बट थोड़ा सा डिफरेंट है चलो स्वामित्व तो की बात कर ही रहते हैं तो चलो यहां पे स्वामित्व तो वाला भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया यस yes, आंसर कर दीजिएगा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम विच प्रोवाइड रिकॉर्ड राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स विशुअंस ऑफ लीगल ओनरशिप कार्ड मैंने कहा था ओनरशिप को लेकर इट इज इंप्लीमेंटेड बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इट्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम यह सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री तो यह नहीं है यहां पर ऑब्वियसली रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज मिनिस्ट्री की बात करेंगे ध्यान दीजिएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम जी हा सर्वे ऑफ विजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन दिलेज एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर रही है स्टेट की मदद ली जा रही है स्टेट की मदद ली जा रही है पर स्टेट को यहाँ पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है पूरा काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो रिसेंटली यूपी के अंदर आ, ये इंप्लीमेंट हुआ बट इट नॉट अ सेंट्रल सेक्टर सॉरी सेंट्रल सेक्टर स्कीम यहां पर ट्रिकी बन जाएगा बिकॉज नॉर्मली जब भी ग्राम पंचायत की बात होगी या स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बन जाता है राइट पर यहां पे पूरा का पूरा इंप्लीमेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है स्टेट की मदद ले रही है पर स्टेट को टेंशन कुछ नहीं है सेंटर सारा काम देख लेगी ये पॉइंट याद रखेगा बहुत जरूरी पंचायती राज मिनिस्ट्री आ, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट ये सब लोग भी यहां पर इन्वॉल्व रहेंगे ध्यान रखेगा अगेन गिरिराज सिंह साहब मिनिस्टर है नेक्स्ट सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंगल में क्वेश्चन आपके सामने है चलो जल्दी से पढ़ लीजिएगा सीएसआर की बात करते हैं कंपनी हैविंग इमीजिएट प्रोसीडिंग ऑफ फाइनेंशियल कंप्लाय विध सी एस प्रोविजन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीएसआर इज टू एनहांस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड द एनवाइट सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज एक्ट के तहत कुछ कंपनियों के लिए सीएसआर ये मैंडेटरी है और आंसर बोथ वन एंड टू अगर आपके कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा का है के सो so, ऐसे सिचुएशन में आपको सीएसआर कंपलसरी बन जाएगा मिनिमम टू परसेंट सीएसआर आपको करना पड़ेगा मीन जो भी आपका प्रॉफिट है उसका टू आपको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए देना पड़ेगा तो ये कंपनी एक्ट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ध्यान रखिएगा सेक्शन थर्टी फाइव ऑफ रखिएगा आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में ये सेक्शन के लास्ट ईयर कि तो ये समझना बहुत जरूरी है यहां पे ध्यान देना ये तीन कंडीशन है ये तीन कंडीशन अगर आपकी कंपनी पूरी करती है तो आपके लिए कंपल्सरी बन जाएगा या आपके लिए मैंडेटरी बन जाएगा नेक्स्ट आर्ट सेंस की बात करेंगे जी आ, आंसर कर दीजिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के डे का जल्दी से आंसर कर दीजिएगा विच ऑफ द द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ द आर्ट सेंस डिवाइस दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली दिस डिवाइस इज फॉर द अर्ली स्क्रीनिंग ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज जो हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं उसके स्क्रीनिंग के लिए इस डिवाइस को बनाया गया एंड दिस डिवाइस इज क्रिएटेड बाय आईआईटी मद्रास इसीलिए क्वेश्चन डाला था कि ये डिवाइस एग्जैक्टली exactly क्या है आईआईटी मेड्रास क्रिएटेड दिस डिवाइस एंड दिस इज फॉर द कार्डियोवेस्कुलर डिजीज उसके डायग्नोसिस के लिए ध्यान रखिएगा मेडिकल टेक्नोलॉजी को लेके बहुत सारी न्यूज चर्चा में चल रही है मेडिकल इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग को लेके चाइना प्लस वन पॉलिसी में इंडिया काफी स्ट्रांगली काम कर रहा है लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो अब अगर हमारे आई हमारे रिसर्चर्स अगर नई नई चीजें क्रिएट करते हैं मेडिकल डिवाइसेस के अंदर तो ऑब्वियसली क्वेश्चन बन जाएंगे तो ये डिवाइस का नाम याद रखिए क्रिएटेड बाई आई आई टी ये भी जरूरी होगा लास्ट क्वेश्चन फॉर यू ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को एंगल में ये क्वेश्चन है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इट्स इट फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इट लेस डाउन द स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटी ऑफ सिविल फ्लाइट एट इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट इन इंडिया आंसर इज बोथ दोनों चीजें सही है सिंधिया साहब के मिनिस्ट्री के अंडर ये अथॉरिटी काम करती है और सिक्योरिटी का जो कंसर्न आता है किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर यहां पे इनका ध्यान रहेगा ध्यान रखिएगा वेरी इंपोर्टेंट 1987 में आ, इस अथॉरिटी को क्रिएट किया गया था पांडे कमिटी के रिकमेंडेशन पे इसका क्रिएशन सो so, नाम याद रखने के लिए याद रखिए, अमित पांडे सर आप जानते होंगे सो so, पांडे कमिटी के रिकमेंडेशन पे अमित सर नहीं थे जस्ट याद रखने के लिए ध्यान रखेगा uh, यार एक और हाँ ये क्वेश्चन गया, इस क्वेश्चन को कवर कर लेते फिर रुक जाएंगे नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट वॉटरवेज एंड कोस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ये सेंटर कहां पर लोकेटेड है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट वॉटरवेज एंड कोस्ट ये कहां पे लोकेटेड है तमिलनाडु, दिस इज लोकेटेड इन तमिलनाडु ध्यान रखिये सागरमाला फिलहाल न्यूज में चल रहा था सो यस इट इज इन तमिलनाडु चेन्नई के अंदर ये लोकेटेड है सो दैट्स इट बाकी तो यहाँ पे कुछ नहीं बस क्योंकि uh, सागरमाला को लेके अलग अलग चीजें ये लोग इंप्लीमेंट करते हैं सो यस गाइज दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर द डे यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ यस uh, <clears throat> yes, एक और चीज हमारे uh, टेक्स बुक सुपर कोचिंग में अगर आपको एनरोल करना होगा तो एक बार मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ कि कहाँ से आप उसमें एनरोल कर सकते हैं तो ये हमारा फिलहाल सेशन चल रहा है सेशन के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आ, आपको यस लाइक कर दीजिए अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन <coughs> यस यहाँ पे सुपर कोचिंग में आप जाके यहाँ से हमारी बैचेस में एनरोल कर सकते हो यू कैन सी ओवर यर बैंक एग्जाम्स के अलग अलग बैचेस चल रही है सपोज so, आपको यहाँ पे एनरोल करना होगा तो Plan में जाके आप कूपन कोड अप्लाई कीजिए कूपन कोड विल बी माई नेम ओनली आप मेरा नाम डाल सकते हैं कोई भी बैच अगर आपको एनरोल करनी होगी तो पीयूएसएच पी एके पुष्पक इज ऑफ द कोड जो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा तो सिक्स सेवन फाइव के अंदर आपको ये पूरी बैंक एग्जाम की बैच आ जाएगी फॉर सिक्स दैट्स ऑल फॉर माय साइड फॉर द डे विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी uh, कल सुबह सात बजे आज बाकी कोई सेशंस नहीं रहेंगे आज लेबर डे है आज एक्चुअली छुट्टी होती है तो आ, हम डायरेक्टली आपसे मुलाकात कल सुबह सात बजे करेंगे हमारे करंट अफेयर्स के सेशन के लिए तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा बाय